गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे एमएस वर्ड में हम लोग किसी भी शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जैसे मेरा सेंटर का नाम माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर है, तो कंप्यूटर में अगर हम एम प्रेस करेंगे और उसके बाद स्पेस बार या इंटर की प्रेस करेंगे तो वो माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में कन्वर्ट हो जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं कैसे एमएस वर्ड में हम लोग किसी भी शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो। जैसे कि हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो सबसे पहले हम लोग इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लेंगे। यहां पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड देख रहे हैं आप लोग, 2007 आ गया है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए हम लोग के सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो गया है। अब जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें एमएस वर्ड में, तो जैसे कि देखिए हम यहाँ पर आपको सामने एम लिख रहे हैं और जस्ट प्रेस कर रहे हैं इंटर की, तो देखिए ये माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में कन्वर्ट हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि हम लोगों को माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर पूरा लिखना नहीं पड़ा। इससे तो हम लोगों को एक समय भी बच गया और एक हम लोगों को मेहनत से भी हम लोग बच गए। तो इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जिसको आप लोग यूज करके आप लोग अपने समय को बचा सकते हैं। तो ये कैसे संभव है इसी को आज हम लोग देखेंगे। देखिए ये कोई जादू नहीं है कि हमने एम प्रेस किया और इंटर करने से ये माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर तुरंत लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपके सॉफ्टवेयर में एक टूल्स होते हैं, एमएस वर्ड में एक टूल्स होते हैं जिसका नाम है ऑटो करेक्ट। देखिए जैसे ठीक रूलर के बगल में रहता है ऑटो करेक्ट, इस टूल में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है रिप्लेस और यहाँ विथ। अब रिप्लेस में जैसे आप टाइप करेंगे, जैसे सपोज दैट हम लोगों को ए एल यू का फुल फॉर्म चाहिए, तो ए एल यू इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक वन मिनट, लॉजिक यूनिट। जैसे हमने लिख दिया लॉजिक यूनिट, तो इसमें हम लोग जस्ट ऐड कर देंगे। यहां देख रहे हैं ऐड का बटन है, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ऐड कर देंगे देखिए ये डिक्शनरी में सेट हो गया। अब हम इसको ओके कर देंगे और जस्ट यहां पर टाइप करेंगे ए एल यू, देन स्पेस लगाएंगे, तो देखिए एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑटोमेटिक शो हो गया। तो इसी तरीके से आप भी किसी भी शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और इसको अगर आपको डिलीट करना है तो फिर से आपको ऑटो करेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप करना है ए एल यू, और यहाँ पर जो देखिए ऑटोमेटिक शो कर रहा है ए एल यू का एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको आपको सिंपल से यहाँ पर डिलीट बटन में क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, देन इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ए एल यू करने से आपका शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इससे हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग डिलीट भी कर सकता है। डिलीट करने का जरूरत हम लोगों को तब पड़ता है, बहुत समय हम लोगों को ये चीज़ का जरूरत नहीं है फिर भी इस तरह का वर्ड टाइप करने से आ जाता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग के पास सी लिखने से कंप्यूटर आ जाता है, अभी नहीं आ रहा है, हमने सेट नहीं किया था, तो कभी कभी आ जाता है। लेकिन हम लोगों को सी से दूसरा नाम लिखना है तो उस समय कंप्यूटर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को इसको डिलीट करना भी जानना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में भी आ गया है। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हर रोज़ बनाते रहता हूं। और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और इससे जुड़े अगर कोई भी डाउट्स है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको सॉल्यूशन करने का। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद।